बेटा तू रो मत, चुप हो जा। ऐसा तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं है, ऐसा करना ही पड़ता है। हम औरतों को समझदार बनना ही पड़ता है। ये जो मर्द होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। इनको बहला फुसला कर समझा कर इनसे काम निकलवाना पड़ता है। ये जिंदगी ऐसी ही है बेटा, तू शांत हो जा, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ना वो अभी तक आ जाएंगे बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे। चलो हम तब तक एक काम करते, गिफ्ट चेक करते। चल कम। नहीं करने मुझे कोई गिफ्ट चेक, पता है मुझे, डोंट ट्राई टू फूल मी, नहीं आने वाले वो। रिया बेटा एक मिनट, रिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी इसलिए। कोई जरूरत नहीं, सब पता है मुझे। What do you mean, कोई जरूरत नहीं? और ये क्या तरीका बात करने का मानसी? कम से कम आज के दिन अपनी बेटी के लिए तो घर आ सकते थे ना टाइम से, या आज भी उस औरत के पास जाना ज्यादा जरूरी था। Come on, मानसी, don't start this drama all over again. पहले काम का इतना टेंशन है, ऊपर छोड़ दो ना काम, छोड़ दो। वो औरत तुम्हारी टेंशन कम करने वाली नहीं है संजय, मेरी तो फिक्र तुम करते नहीं हो, कम से कम अपनी बेटी की तो कर लो। अरे पहले रिया छोटी थी, नहीं समझती थी ये सब बातें, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है वो। Stop it! हर बात में रिया को बीच में घसीटना बंद करो तुम। You stop it! तुम्हारी वजह से उसका बर्थडे खराब हुआ है, पूरा दिन से वो बेचारी तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम अब घर में आ रहे हो। आवाज नीचे और ठीक से बात करना मेरे साथ। I am your husband, damn it! Husband थे, लेकिन जब से वो औरत तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, पूरा रिश्ता खत्म हो गया हमारा। यही बाकी रह गया था, मान लो ये भी कसर निकाल लो। सो गया। सॉरी वो, सॉरी परम, सॉरी ना जानू। तुम जानते तो हो काम ही ऐसा है, और काम भी तो जरूरी है ना। हाँ और हम दोनों जरूरी है तुम्हारे लिए। अब आ गई ना मैं। देखो माया मैं, प्लीज चलो अच्छे से सॉरी बोलने का तो चांस है तुमसे। इस दुनिया में कई लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक जिंदगी की जरूरतें पूरे करने के लिए दूसरी जिंदगी अपनाते हैं, अपनी भावनाओं को जज्बात को दबाकर उन्हें अपने अंदर छिपाकर घुट घुट कर जीते हैं। कुछ हद तक हम में से हर कोई ये करता है, लेकिन झूठ की भी एक सीमा होती है, और जब इंसान इस सीमा को पार कर देता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, एक बहुत बड़ी कीमत। रिया ब्रेकफास्ट रखा करो, मैं दूध लेकर आ रही हूँ। बाय मामा। जल्दी से फिनिश करो ये। रिया रिया चलती हूँ बेटा। मानसी क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, रोज झूठ रोज झूठ, झूठ के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। पता है बेटा,
पर अपने लिए नहीं, रिया के लिए सही। रिया की तो चिंता है, वो सब समझती है आई। उसे गुस्सा आता है, इन सब चक्कर की वजह से उसके मार्क्स कम आए हैं, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन संजय से डिवोर्स लेके भी तो क्या फायदा है उससे अलग होने का, वो नहीं समझता। लेकिन तू तो समझ। सुन, वो गलत है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अपने लिए ना सही, रिया के लिए एक आखिरी कोशिश तो कर। माया, कम ऑन यार, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। हाँ बस आ रहे, चलो चलो जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जा। 1 2 3 शाबाश, कम ऑन, गिव मी द बैग। सर, उसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था तो ठीक से कह नहीं सकता कि कौन था। बंदूक थी उसके हाथ में, आपने कहा? जी। कैसी बंदूक थी? डिफरेंट सी थी, जैसी आप लोग यूज करते हैं वैसी नहीं थी। इसमें देख के बताइए, क्या इनमें से कोई गन थी? ऐसी थी कुछ। सर देसी कट्टा, आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? देखिए, साफ साफ बताएंगे तो ही मदद कर पाएंगे आपकी, छुपाने से कुछ होगा नहीं। माया बता दो, डॉक्टर मानसिंह, मैं उनके पति के क्लिनिक में काम करती हूँ, डॉक्टर संजय। मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ उनकी। डॉक्टर मानसी बहुत शक्की हैं, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे और डॉक्टर संजय के बीच कुछ अफेयर है। और आपकी कोई दुश्मनी? नहीं सर, मैं तो छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाता हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी? सर बोला, एक मिनट, कहीं रूपम? रूपम नहीं, नहीं नहीं। ये रूपम कौन है? जी सर, वो माया का पहला पति। नहीं सर, वो नहीं हो सकता। डॉक्टर मानसी और रूपम की सारी डिटेल्स दे दीजिए। शिंदे, पता करो उस एरिया में किसी ने उस आदमी को देखा हो या वो कहां गया, ये देखा। सर हाँ देखा साहब, मैं यही पे था। उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था सर, से देख नहीं पाया। सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया साहब, हम लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो आदमी भाग गया। सर हम डॉक्टर्स, हम जान बचाते हैं, लेते नहीं। और वैसे भी माया को सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की बुरी आदत है, ये सब ड्रामा इसीलिए कर रही होगी। क्या आपको लगता है कि आपके पति का उस औरत के साथ कोई अवैध रिश्ता है? नो सर, दोनों साथ में काम करते हैं बस, और कुछ भी नहीं। डॉक्टर मानसी कह तो रही है कि डॉक्टर संजय और माया के बीच में कुछ है नहीं, लेकिन सर साफ है वो झूठ बोल रही है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये दोनों कुछ छुपा रहे हैं। दो औरतें और एक आदमी, हो ना हो कोई एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे इन तीनों की डिटेल्स चाहिए, इनके कॉल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ। और वो माया का एक्स, क्या नाम है उसका, रूपम, उसका क्या हुआ? सर फोन स्विच्ड ऑफ, घर भी लॉक, हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछताछ करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि डॉक्टर संजय और माया के बीच कुछ हैवी है। और क्या डॉक्टर मानसी अपना घर बचाने के लिए किसी को मार भी सकती है? साहब 100% कह रहा हूँ, उनका पैर चल ही रहा है, ऐसी चीजें छुपती थोड़ी ना है, हजारों लोग देख रहे हैं, वो बेवकूफ थोड़ी ना है। डॉक्टर मानसी अपने आप में रहती है, आप डॉक्टर धीरज से पूछिए, वो उनके दोस्त हैं। जी सर, मैं और मानसी एक दूसरे को जानते हैं, इनफैक्ट हम कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? जी सर दोस्त। देखिए सर, अगर कोई और होता तो शायद मैं एक बार मान लेता, लेकिन डॉक्टर मानसी वो बहुत ही प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, ऐसे किसी भी मामले में उनका इन्वॉल्व होना इम्पॉसिबल है सर। बैठिए,
कैसे आना हुआ? पहले मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा और डॉक्टर संजय का कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल पिछले कुछ टाइम से हम लोग साथ में हैं, लेकिन उस टाइम मेरे पति परम साथ में थे इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाई, पर आपसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहती थी। आई अंडरस्टैंड आप क्या सोच रहे होंगे कि कैसी औरत है, बट यकीन मानिए सर, मैं मजबूर थी। डॉक्टर संजय मुझे आए दिन ब्लैकमेल करते रहते थे कि अगर मैं उनके साथ नहीं रही तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। सर मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे पति जितना कमाते हैं उसमें हमारे घर का गुजारा नहीं होता, आफ्टरऑल मेरा एक बच्चा भी है। दरअसल वो परम का बेटा नहीं है, तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परम पे नहीं डालना चाहती थी। आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ सकते हैं राइट? क्या यहाँ क्लिनिक में? आई कांट बिलीव दिस, ये मामला इतना बड़ा हो गया है। मानसी रिलैक्स, मैंने पुलिस से कहा है कि इन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, इनफैक्ट अगर तुमने कुछ किया भी है। आर यू मैड धीरज? मैं ये सब करवाऊंगी, वो भी ऐसे किसी गुंडे को बुलाकर? रिडिकुलस या। देखो आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम इन मामलों में इन्वॉल्व ना हो और मेरी टेंशन मत लो। तुम क्यों ना लो? मुझे समझ नहीं आता कि उस इंसान में आखिर रखा क्या है। धीरज, मैं फिर से उन्हीं बातों पर डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि रिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। देखो फिर से कोशिश करना चाहती हूँ अपनी शादी को बचाने की। बट मानसी, ही डजंट डिजर्व यू, वो तुम्हारे लायक नहीं है। उसने तुम्हें छोड़ा है, वो भी उस 2% की औरत के लिए। आई कांट बिलीव यू आर सेइंग दिस। फिर क्या हुआ? फिर टीचर ने मिली को पनिश किया। ओ, पनिश किया? देखा तुम्हें क्यों नहीं पनिश किया? क्योंकि चिराग इज अ गुड बॉय। ये डॉक्टर धीरज पूरा सच नहीं बता रहा, हो सकता है डॉक्टर मानसी का करीबी हो, पूरा सच जानता तो वैसे भी पूछताछ से पता चला है कि डॉक्टर संजय और माया के बीच में अफेयर हो सकता है। हो सकता है नहीं, है। माया ही थी, उसने खुद बताया कि उनका संबंध है। दरअसल पिछले कुछ टाइम से हम लोग साथ में हैं। सर कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, वरना ऐसी बात कोई खुद कहां कहता है? हो सकता है कि जितनी वो दिखती है उससे कहीं ज्यादा शातिर हो। हम किसी ना किसी तरह सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, ये पता है उसे। इसलिए इससे पहले कि हम अपने तरीकों से उससे सच्चाई उगलवाएं, उसने कन्फेस कर लिया। सर कहीं ये पूरा इंसिडेंट, ये जो कुछ भी हुआ है, ये झूठ तो नहीं? उसने शायद ये खुद करवाया हो। सर एक मिनट। हेलो, गाड़ी की नंबर प्लेट या ड्राइवर का चेहरा कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं, गाड़ी पीछे से आई और जब मुझे पता चला अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। और जो कोई भी था सिर्फ माया को नुकसान पहुंचाना चाहता था, इन्हें नहीं। बाय द वे आप कहां थे उस वक्त? मैं? आप? आप कहना क्या चाहते हैं? जो पूछा गया उसका जवाब दो। सर मैं घर पे था, और कहां जाऊंगा? कोई सबूत है इस बात का? सारे हमले सिर्फ माया पे हुए, कहीं उसका पति परम उसके अफेयर के बारे में जान तो नहीं गया? उसके दुकान के पास जाओ, पूछताछ करो, किनसे मिलता था, किसने कोई अजीब सी बात देखी हो। उस स्पॉट पे भी जाओ जहां माया से उड़ाने की कोशिश की गई थी। पता करो ये वाकया किसी ने देखा। जी सर। मानसी को बुलाओ पूछताछ के लिए। आपको लगता है कि ये सब मैंने किया है? वो तो आप बताइए, मैं तो पूछ ही रहा हूँ आपसे। 4 सालों से जानती हूँ मैं संजय और माया के बारे में, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो मैं इतना टाइम ही क्यों लेती? और वैसे भी संजय से अब मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं, मेरी बेटी है बस, उसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। आपने अभी नहीं बताया कि जब माया पे हमला हुआ था आप कहाँ थी? क्लिनिक में। अगर आपको यकीन ना हो तो आप स्टाफ से पूछ सकते हैं। स्टाफ या डॉक्टर धीरज? आई डोंट चीट ऑन एनीवन। धीरज से
सिर्फ दोस्त है, वो कलीग है मेरा, और हम दोनों स्टाफ के साथ थे। आप लोग समझ नहीं रहे, वो औरत बहुत ही स्मार्ट है, शातिर है। वो जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है ना, वो इतनी मासूम है नहीं। आप लोग प्लीज प्लीज उसकी बातों में मत आइए। एक मामूली क्रिमिनल के जैसे बिठाकर मुझसे सवाल किए गए, जानते हो कैसा लगता है? लोगों के लिए काम किया, दिन रात सोसाइटी के लिए काम किया, मेहनत की, इज्जत कमाई, और एक ही झटके में सब कुछ खत्म, तुम्हारी वजह से और तुम्हारी उस दो टके की माया की वजह से। अरे संजय, वो हम दोनों को बर्बाद कर रही हो, तुम अभी भी उसी के जाल में फंसे हुए हो। अरे मुझे क्यों बोल रहे हो मानसी, मैंने क्या किया है? मैं थोड़ी चाहता था ये सब। देखो मानसी, मैं जानता हूं तुमने बहुत सहा है, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो ठीक है संजय। हाँ, आसान है अलग हो जाना, अपने अपने रास्ते ले लेना, लेकिन रिया का क्या संजय? मैं मानती हूँ कि हम दोनों को एक दूसरे से उम्मीदें नहीं रही हैं, लेकिन रिया को तो हमसे ही उम्मीदें हैं ना, उसके लिए तो यही सब कुछ है, मम्मी पापा और वो। अब तो कह रही हो मानसी, मुझे भी रिया की फिक्र है, मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ हमारी रिया को अफेक्ट करे। तो फिर करो ना कोशिश प्लीज संजय, हमारी शादी, हम दोनों, ये सब कुछ अभी भी जिंदा है, और फिर हम तो लोगों की जान बचाते हैं ना, तो क्या अपना रिश्ता नहीं बचा सकते? अब जाओ ना मम्मा, एक मिनट एक मिनट, अब परफेक्ट है। और हाँ, वहां जाके बार बार फोन मत करना, मैं और नानी मैनेज कर लेंगे, यू जस्ट एंजॉय। चो स्वीट, चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, आ जाओ, बाय। और सुनो, खाना बना कर रखा है, एंड आई डोंट वॉन्ट यू अराउंड द गेस्ट, और अगर आई को कोई भी जरूरत पड़े तो फोन करना। यस मॉम, आई नो, और वैसे भी आज धीरज अंकल आ रहे हैं हम दोनों का एंटरटेनमेंट करने, अब आप जाओ वरना आप अपनी डेट मिस कर दोगे, जाओ। मानसी जा भगवाता, तू अपनी माँ की बात मान तो तेरी बेटी तेरी बात मानेगी। चल जाओ, चलो जाओ। लव यू, बाय, लव यू टू, बाय। सर, गहने, वॉलेट, बटुआ सब गायब, रॉबरी केस, एक ऐसी रॉबरी जो शायद कंट्रोल से बाहर चली गई और चोर को मजबूरन शूट करना पड़ा। देखने से लगता है कि गोली बहुत पास से मारी गई है। सर, यहाँ बाहर भी कुछ खून के धब्बे हैं, अगर ये मानसी के है और गाड़ी के बाहर निकली थी तो वापस अंदर कैसे, और अगर उसे बाहर ही शूट किया गया है तो उसे चोर ने अंदर लाके वापस क्यों रखा? मर्डर वेपन? सर कुछ नहीं, आसपास छानबीन कर ली, कुछ मिला नहीं। इसका मतलब मर्डर सुसाइड नहीं है, यानी किसी एक ने दूसरे की हत्या करके खुद को नहीं मारा, वरना मर्डर वेपन भी यहीं कहीं मिलता। सर अजीब बात, हम इन्हीं पे शक कर रहे थे और अब यही दोनों। जिस पर माया पर हमले करवाने का शक था आखिरकार वही शिकार बन गया, संभवतः ये चोरी की वारदात थी जो किसी कारणवश हत्या में तब्दील हो गई थी, लेकिन इस केस में अनगिनत संभावनाएं सामने आने वाली थी और पुलिस संभावना और सच के बीच की इस दूरी को तय करने में जी जान से जुट गई। भी चीज की जरूरत हो तो याद रखिएगा, इसी जैसी हूँ। झूठ मत बोलो। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर मानसी और संजय सर बाहर जा रहे हैं। सर अगर मुझे पता होता तो मुझे खुशी ही होती, मैं तो खुद चाहती थी कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि संजय सर मुझे परेशान ना करे। सर सच कहूँ तो अब लगता है कि शायद मैं ही गलत थी, मुझ पर जो भी हमले हुए उनमें शायद डॉक्टर मानसी का कोई हाथ था ही नहीं, ने बेवजह उन पे इल्जाम लगाया। मानसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर, सिवा उस औरत के, वो संजय के हॉस्पिटल में माया, मानसी और संजय के बीच में फूट डालने का एक मौका भी नहीं छोड़ा उसने। सर मुझे पता है मेरी बच्ची ने कितना सहा है,
और इतना सहने के बाद उसे क्या मिला? जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे ये ऐसे मार दिया। एक साथ हुई दो हत्याओं ने इस मामले का रुख बदल दिया। पुलिस चोरी की संभावना को अब दरकिनार कर चुकी थी। सवाल यह था कि माया पर हुए हमलों का संजय और मानसी की हत्याओं से कोई नाता था या नहीं। आखिरकार पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने जांच के लिए नए रास्ते खोल दिए। लगता है फाइनली में पहला कनेक्शन मिल गया है। जो माया पे हुए हमले तो मानसी और संजय के मर्डर इन दोनों से जुड़ा है। तो मर्डर साइट से जो बुलेट के शेल्स मिले वो किसी देसी कट्टे के, और जब माया पे हमला हुआ था तब भी देसी कट्टा ही यूज हुआ। हो सकता है कोई एक ही शख्स हो जो संजय, मानसी और माया तीनों को रास्ते से हटाना चाह रहा, लेकिन कौन? डॉक्टर धीरज सर, वो डॉक्टर मानसी का इतना करीबी दोस्त फिर भी उसकी शोक सभा में नहीं है, ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग नहीं लगती? लेकिन वो मानसी को क्यों मारे? शायद मानसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो, या ये भी हो सकता है कि माया ने मानसी को मरवाने की कोशिश की और संजय बीच में आ गया। एक काम करो, सारे कॉल रिकॉर्ड्स की ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट मंगवाओ उस डॉक्टर धीरज की। अरुण, तेरा खाता तो हमारे साथ पहले से खुला है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, पहले की बात है साहब, फैमिली के झगड़े थे, गुस्सा चढ़ गया था, लेकिन तभी का तभी साहब, उसके बाद एकदम क्लीन है साहब। डॉक्टर संजय से क्या काम था तुझे? चार पांच बार बात हुई ना तुम लोगों की? कुछ नहीं सर, काम का चक्कर था। ये ना समझा हमें, ना उनके क्लिनिक में ना उनके घर में कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक का काम तो नहीं हुआ, अब चुपचाप बताएगा या? एक्चुअली डॉक्टर संजय को मेरे बारे में पता चल गया था। अरे नहीं नहीं साहब, वो सब नहीं करता है, मैं खूनी थोड़े है। ए, तेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी तरह से पता है, अपने भाई को मारने की कोशिश की थी ना तुझे, और यहाँ पे तो मारने वाले को तू जानता भी नहीं है। और सुन, तुझे इतने पैसे दूंगा ना कुछ सोच नहीं सकेगा तू। अरे घबरा मत, सिंपल मर्डर है। मजाक लगता है क्या आपको? मैंने बोला ना। अरे सुन तो, मैं संजय किसको मरवाना चाहता था? पता नहीं साहब, मेरे को पढ़ना ही नहीं था उसमें, मैं सीधा वहां से चला गया। अरे कुछ तो बोला होगा तुझसे। सच्ची साहब, मैं शरीफ आदमी साहब, मान लेता हूँ तेरी बात, लेकिन अगर डॉक्टर संजय तेरे पीछे पड़ा हुआ था तो तूने उसे फोन क्यों किया था? कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास, तूने खुद फोन क्यों किया था उसे? देख ज्यादा नाटक मत कर, इलेक्ट्रिशियन है ना तू, शौक आके ही बोलेगा क्या? मैंने सोचा डील इतना बुरा नहीं है, मैं काम करने को तैयार हो गया था, इसलिए मैंने डॉक्टर संजय को फोन किया था। खून करने वाला था तू? फिर क्या हुआ आगे बोल। कुछ नहीं साहब, डॉक्टर संजय बोला अब तेरी जरूरत नहीं। क्यों? पता नहीं साहब, तेरी जरूरत नहीं है बोल के फोन काट दिया, इतना ही चुआ साहब। निकल इधर से, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। निकल। समझा सर। इसकी बात को सच माने तो सवाल ये उठता है, डॉक्टर संजय ने इसे मना क्यों कर दिया? कोई और तो नहीं मिल गया? ये हो सकता है उसने अपना मन बदल दिया। सर ये भी तो पॉसिबल है कि एक केस माया और मानसी से रिलेटेड ही ना, डॉक्टर संजय किसी और को मरवाना चाहता, फिर उसी ने डॉक्टर संजय और मानसी को मरवा दिया। अब तक तो ये मामला माया और मानसी के बीच का लग रहा था, लेकिन अब शक्ति सुई संजय की तरफ घूम रही है। लेकिन अगर ये सच है तो संजय खुद कैसे मरा? सर रूपम का पता चल गया। सर उस औरत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, और जब से मुझे पता चला कि इतने प्रॉब्लम से झगड़े होने के बाद भी उसका चक्कर डॉक्टर संजय से चल रहा है, सर फाइनली मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। कितने समय पुरानी बात है? सर लगभग 10 साल, 10 साल से हम लोग कॉन्टेक्ट में नहीं। ठीक है अभी तो जा रहे हैं, लेकिन कायम मत होना कहीं, जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे तुमसे। इसके कॉल रिकॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए बोल दिया। क्या बात, क्या सोच रहे हैं? ज्यादा याद है माया ने कहा था कि उसने मजबूरी में संजय से रिश्ता बनाया। डॉक्टर संजय मुझे आए दिन ब्लैकमेल करते रहते थे कि अगर मैं उनके साथ नहीं रही तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। पैसों की तंगी थी, परम कमाता नहीं था, लेकिन रूपम को देख के नहीं लगता कि इसको कभी पैसों की तंगी रही है। फिर रूपम के साथ रहते हुए भी माया ने संजय से रिश्ता क्यों रखा? प्लस रूपम के अनुसार ये बात 10 साल पुरानी है, जबकि माया के अनुसार ये मामला कुछ सालों पहले शुरू हुआ। झूठ क्यों बोल रही है? सुपारी हमसे कुछ चंदे बुलाओ से बात करते हैं। झूठ क्यों बोला तुमने? 10 साल से संजय से अफेयर चल रहा है तुम्हारा, क्या छुपा रही? सॉरी सर, मैंने झूठ बोला आपसे। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि इतनी पुरानी बात का इससे केस से कोई भी कनेक्शन होगा। मैं लोअर मिडिल क्लास में पली बड़ी हूँ, जहाँ हर चीज के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। जब डॉक्टर संजय मेरी लाइफ में आए तो उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी। दोबारा शादी क्यों की? संजय से अफेयर तो चल ही रहा था तुम्हारा, आराम से जिंदगी जीती। मैं तो जिंदगी जी लेती, लेकिन मेरे बेटे का क्या होता?
उसे भी तो बाप की कमी महसूस होती थी। डॉक्टर संजय अपनी फैमिली छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। जा, अभी के लिए इतना काफी। सर, अगर मेरी वजह से आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आई एम सीरियसली सॉरी। इस केस में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे थे। केस से जुड़े सभी मानो कुछ ना कुछ छिपा रहे थे। सभी एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पुलिस हर झूठ हर रहस्य से पर्दाफाश करने के लिए तैयार थी। जहां एक तरफ संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कॉल रिकॉर्ड्स और फोन के सिग्नल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। धीरेज का पता लगा और रूपम को वापस लेके आओ पूछताछ के लिए। सर, मेरी गलती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर, वो माया की शादी, उसकी फैमिली, उसका पति परम, ये सब एक कॉम्प्रोमाइज है, नाम के लिए है बस। सर, वो वहाँ पे खुश नहीं है, इसलिए मुझे फोन करती। ये सब माया ने तुम्हें खुद बताया? यस सर, वही फोन करती थी मुझे। उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो मेरे पास चली आती, पैसे वगैरह या कोई और प्रॉब्लम, मैं ही उसकी मदद करता था। तुझे छोड़ने के बाद भी? क्यों, अब भी प्यार करता है उससे? सर, उसे ना कहना इतना आसान। मतलब तुम दोनों अब भी साथ हो? नहीं नहीं सर, मैं उसके साथ होना भी नहीं चाहता। इतनी नफरत क्यों? तुझे छोड़ दिया इसलिए? बदला लेना चाहता था ना उससे, इसलिए हमले करवाए? सर, बदला क्या, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, बस दूर रहना चाहता हूँ। बस जब उसको जरूरत पड़ती है मैं उसकी मदद कर देता। सर, इसमें मेरी क्या गलती है सर? ये तो उसने सर, सर, सर झूठ उसने बोला है, इसमें मेरी क्या गलती है सर? सर, मैंने तो हमेशा आपको सच बताया है, चाहे वो संजय से अफेयर की बात हो या कोई और। सर, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, आप बस एक बार याद कीजिए, क्या मैंने आपसे कभी भी कहा कि मैं रूपम के कांटेक्ट में नहीं हूँ? सर, मैं क्यों छुपाऊंगी कि मैं उससे बात करती हूँ? आखिर वो मेरे बेटे का बाप है, मैं तो चाहकर भी उससे नाता नहीं तोड़ सकती। सर, आप सर क्यों बर्ताव कर रहे हैं सर ऐसा मेरे साथ? सब तो सच सच बता दिया आपको, आप और क्या जानना चाहते हैं सर? समझ गई, आप भी वही कर रहे हैं, राय बना ली ना आपने भी। दो शादियां हुई हैं, एक अफेयर है, गिरी हुई औरत होगी, झूठ बोल रही होगी। भूलिए मत, हमले मुझ पे हुए, जान मेरी खतरे में। लेने नहीं आते? नहीं सर। कुछ अजीब देखा? ऐसा तो कुछ अजीब दिखाई नहीं दिया सर। ठीक है, तुम यहीं रुको, नजर ए, रुक रुक सर, जहां तक मुझे याद है उस आदमी का चेहरा ऐसा दिखता था। सर्कुलेट करवाओ इसे, डेटाबेस भी चेक करो, अगर ये वाकई क्रिमिनल है तो कोई ना कोई पुलिस रिकॉर्ड जरूर होगा इसका। सर, मतलब माया की जान को अब भी खतरा है? सर, ये कौन हो सकता है? शुरू से देखते हैं। हाँ गावड़े, बोलो। गुड सर, धीरज मिल गया। सर, सर, मैंने मानसी को नहीं मारा सर, मैं उसे क्यों मारूंगा, वो तो मेरी दोस्त थी। वैसे भी सर, जब मानसी का मर्डर हुआ तब मैं नासिक में था। ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स और तेरी मोबाइल की लोकेशन, जिस वक्त मर्डर हुआ तेरी मोबाइल की लोकेशन वही की थी, तू वही था। अब सच बताएगा या? बताता हूँ सर, प्यार करता था मैं मानसी से सर, वो भी कई सालों से। उस रात मैं वही था जब मानसी ने उससे बताया कि वो और संजय फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ सर, वो संजय एक नंबर का घटिया इंसान है,
और मानसी उसे मौका देने की बात कर रही थी। मैं उनके पीछे पीछे गया सर उस शाम। तूने कुछ किया नहीं तो चुप क्यों रहा था? गायब क्यों था? सर मुझे लगा कि उस मर्डरर ने मुझे देख लिया है। सर मैं डर गया था सर कि वो मुझे भी मार ना दे, इसलिए चिप गया था सर। उसने मेरी गाड़ी का नंबर भी देख लिया था, मुझे छोड़ेगा नहीं सर वो। मैं मरना नहीं चाहता सर, इसलिए भाग गया था सर। अगर तूने उसे देखा था तो क्या बता सकता है उसके बारे? सर उसके चेहरे पे कपड़ा बंधा था। और क्या जानता है? कुछ नहीं सर, बस यही। देख जो जो जानता है ना सब खुद से बता दे, वरना इतना मारेंगे ना खुद डॉक्टर होते हुए अपना इलाज नहीं कर पाएगा। कोई खास बात नहीं है सर, इतनी भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है क्या नहीं हम तय करेंगे, तू बोल बस। इमरजेंसी माय फुट। आई नो तुम्हारी क्या इमरजेंसी है, उसी के पास हो ना तुम। अरे मैं तो तुम्हारी गिनती में आती ही नहीं हूँ, लेकिन रिया, रिया से भी इम्पोर्टेंट है क्या तुम्हारी वो? बाहर में जाओ तुम दोनों। इट्स ओके मानसी, रोको मत अपने आप को। गुस्सा आ रहा है ना, निकलने दो से बाहर। अपने भीतर दबा कर मत रखो। तुम पर क्या बीत रही है मैं देख भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। दिल करता है जान ले लूं दोनों की। मानसी रिलैक्स, तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना है। जान नहीं ले सकती तुम तो किसी और के हाथों मरवा दूंगी। उस औरत ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो कहीं मानसी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को, लेकिन फिर खुद कैसे मर गई? या फिर उसने संजय को मारकर अपनी जान ले ली हो, लेकिन फिर तो मर्डर वेपन मिल जाता। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से मानसी या तो घर वालों के टच में थी या धीरज के। उसके लैंडलाइन रिकॉर्ड्स मंगवाओ और सीसीटीवी फुटेज भी। हो सकता है कि इस काम के लिए उससे कोई मिलने आया। एक पेचीदा और अनूठा केस। क्या पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही थी? क्या उन्हें कोई गुमराह कर रहा था? ये कैसे मुमकिन था कि दोनों संदिग्ध खुद शिकार बन गए? एक मिनट थोड़ा रिवाइंड कीजिए। हाँ बस पॉज। ये मिस्टर चंदर, उनकी वाइफ वृंदा अपने बच्चे को लेकर आए थे। हाँ वो आदमी जो माया के घर के आसपास देखा गया था वो मानसी के क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है। अगर वही आदमी किलर है और मानसी उसे जानती थी तो मानसी को मारेगा क्यों? तो हो सकता है कि ये मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का हो ही ना। वो आदमी डॉक्टर मानसी का कोई पेशेंट हो जो किसी वजह से उससे नाराज हो। मगर ये जानते हुए कि यही आदमी माया के पीछे भी था, ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग लगती नहीं है। इस आदमी का काम करने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल है। क्रिमिनल डेटाबेस चेक करो। जी सर। क्या चंदर ने किसी निजी कारण से मानसी और संजय का खून किया था? क्या किसी ने पैसे देकर उससे काम करवाया था? और अगर हाँ तो ऐसा कौन था जिसकी मानसी और संजय दोनों से दुश्मनी थी, और उसने माया पर हमला क्यों किया? यहां पे रुको, इस आदमी पे जूम इन करो। एक काम करो, उसके साथ जो औरत है शिफ्ट करो। वृंदा राय, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट। चंदा डॉक्टर मानसी को काय को मारेगा? वो तो बहुत अच्छी औरत थी। मेरा बच्चा मर रहा था तब डॉक्टर मानसी ने इलाज किया था उसका, इसलिए चंदर तो बहुत मानता था उनको। अभी कहाँ है? और उसका पूरा नाम क्या है असली? देख तेरा पहले से बहुत लंबा रिकॉर्ड है, अंदर करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। ये तू अंदर और तेरा ये बच्चा बाहर। इधर ही चेक खोली, उधर ही रहता है वो, और उसका नाम रवि सिंह है। वे गरीब को क्या परेशान कर रहा भाई? क्या हुआ साहब? पहचाना? करके तलाशी लो। काय को साहब, गरीब को काय को परेशान करता? क्या किया मैंने? वारंट दिखाओ साहब, वारंट। सर ये कुछ पैसे और एक कट्टा। सर ये मोबाइल। व्हाट? डॉक्टर संजय और मानसी को क्यों मारा? माया पे हमला क्यों किया?
और साहब मारता काहे को है, बस ऐसे अपना मन किया मार दिया। घूमने जा रहे थे मियां बीवी, किला घुसेड़ दिया टायर, रास्ते में गाड़ी चलते चलते स्टॉप। क्या हुआ संजय? गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तो जाओ देखो। कौन हो तो? किसी ने पैसे दिए थे या तेरी खुद की दुश्मनी थी? मन किया मार दिया, वो अंदर से फीलिंग आती ना सर, मार दिया। पर माया पे हमला क्यों किया? बोला ना साहब, बस ऐसे ही। बहुत जरूरी है इसको, तब तक मारते रहो जब तक इसकी सारी हैकड़ी ना निकल जाए। सर हार्ड लगाने का। अरे अरे मारता काहे को साहब? सर बहुत मारा, लेकिन वो रवि अपना मुंह ही नहीं खोल रहा, बड़ा ही शातिर खिलाड़ी। सर उसके घर पे मिले तीनों फोन्स के कॉल रिकॉर्ड्स। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरे पास काम हुआ है सर। सर सर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। सही कहा, लेकिन एक नहीं कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई जो सारी आज क्लियर हो जाएंगे। गाड़ी तक आइला सर, सर सर मेरी बात सुनिए। देख माया ने अपना मुंह खोल दिया, अब तू अपना खाता खोल। आसान है, तुझे एक और हफ्ता याद रखेंगे, तेरी खाल उधेड़ देंगे, लेकिन इसमें ना तेरा फायदा है ना मेरा। अगर अब भी तूने सच नहीं बताया ना, तुझे तो मर्डर के लिए मंदिर कर ही देंगे, लेकिन तेरी वृंदा को भी अंदर कर देंगे प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और बाहर रह जाएगा तेरा बेचारा बेसहारा बच्चा रास्ते पे भीख मांगता हुआ। चल बता साहब। अब उनका बच्चा बहुत बीमार था साहब, डॉक्टर मानसी ने उसको ठीक किया था, लेकिन वो इस टाइम पे उसको पता चल गया कि साहब अपन जेल जा चुका है, वो वृंदा की वजह से। साहब हर जगह रोना रोती है ना, लेकिन वो टाइम भी अपने फायदा हुआ साहब, डॉक्टर मानसी ने अपुन को पैसा दिया मारने के लिए। उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब तो इस बात का मेरी बेटी पर भी असर होने लगा है। चंदर तुम बस उसे किसी भी तरह से। डॉक्टर मानसी ने तुझे माया को मारने के लिए पैसे दिए? माया को नहीं साहब, उसका वो बच्चा है ना चिराग को मारने के लिए। चिराग? हाँ सर, बच्चे को मुझे मरवाना चाहती थी, ठीक है, मगर मेरे बच्चे को? ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैंने संजय से झूठ बोला था कि चिराग उसका बेटा है। माया बहुत हो गया है, ये सब कुछ मैं यहीं पे खत्म कर देना चाहता हूँ। क्या मैं कोई चीज हूँ जो तुम इस्तेमाल करके? माया मैं, और चिराग इसका क्या होगा? तुम्हारा बेटा है वो। बकवास कर रही है ये संजय, ये झूठ बोल रही है। संजय तुम्हें याद है ना, रूपम से शादी के बाद भी हम मिलते रहते थे, और लोनावला का वो रिसॉर्ट। प्लीज एक सेकंड में मुझे ऐसे मत छोड़ो। I love you so much। संजय ये सब क्या है? ये झूठ बोल रही है, you know it, ये कुछ भी बोले कि तुम विश्वास नहीं कर सकते इसकी बातों पर। Stop it! तुम्हें अपने बेटे की परवाह नहीं ना, मत कर, मैं संभालूंगी, मैं बड़ा करूंगी अकेले। माया संजय झूठ बोल रही है वो, साफ साफ तुम्हें इमोशनल करने की कोशिश कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है ताकि तुम उसकी बातों में आ जाओ। वो मेरे पास वापस आ गया था, बहुत खुश था वो, एक बेटी के बाद मानसी दोबारा मां नहीं बन सकती थी, और मुझे तो पता भी नहीं था कि संजय को बेटा चाहिए, वरना मैं तो उसे पहले ही बोल देती कि चिराग उसका बेटा है। बस यही बात उस मानसी को चुभ गई कि मैंने संजय को इतनी इजीली मना लिया। बचपन में माँ कहती थी कि मर्दों को मनाना बहुत आसान है। ये जो मर्द होते हैं ना ऐसे ही होते हैं, इनको बहला फुसला कर समझा कर इनसे काम निकलवाना पड़ता है। मुझे ये थोड़ी पता था कि मेरे एक झूठ के कारण वो मेरे बच्चे की जान ले लेगी। एक झूठ? अब तक झूठ ही बोलती आई हो तुम माया, ठगाया लोगों को, धोखा दिया है तुमने, अब ये बताओ चंदर को कैसे फुसलाया तुमने? लत लग जाती है ना साहब, माया भी बिल्कुल वैसी है।
नशा है, अपने को भी हो गया, लेकिन माया डॉक्टर संजय पे फिदा थी। मानसी ने उस आदमी को मेरे बेटे को मारने को भेजा था और उसी आदमी से मैंने मानसी को मरवाया, लेकिन मैं संजय को नहीं मरवाना चाहती थी। अपुन को लगा ये अपुन के रास्ते का काटा ऐसा, इसलिए उसको भी उड़ा दिया मुफ्त में, क्योंकि वो एक ही था जिसकी मुझे बहुत परवाह थी, बहुत प्यार करती थी सर मैं उससे, आखिर मेरी तरह तो था वो मैनिपुलेटर। ये केस वास्तव में छल कपट और धोखेबाजी का एक पेचीदा जाल था। अकेली माया ने रूपम से लेकर संजय और परम सभी को अपने जाल में फंसाया, खासकर मानसी को। एक तरफ विश्वासघात कर संजय मानसी को मरवाना चाहता था और दूसरी तरफ मानसी ने रवि उर्फ चंदर की मदद से माया और उसके बच्चों को मरवाने की योजना बनाई। आखिरकार छल कपट को अपनाने वाले ये सभी अपने ही जाल में फंस गए। माया को लगा कि वो जीत गई, उसने अपने माया जाल में सभी को फांस लिया है। आखिरकार बचपन से उसने यही तो सीखा था, कपट और धोखेबाजी का ये पाठ। लेकिन जिस अनैतिक मार्ग ने माया को छोटी छोटी उपलब्धियां दिलवाई, अंत में उसी मार्ग ने माया को बर्बादी की मंजिल तक पहुंचाया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद।